Once again, good afternoon, everyone. So, we are here for our SST class. So, we are discussing our constitution, chapter number 16, right? As you see, there are some topics I have already written on the board. So, one, fraternity, liberty, and secular. So, in the last class, we have already discussed about the preamble. Okay? Clear hai? Board dikh rahi hai aapko? Board dikh raha hai? रितिका लास्ट टॉपिक क्या पढ़े हम लोग? क्या मैम? क्लास में लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? फर्दर आगे डिस्कस करेंगे मैम, विजन्स एंड वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, विजन्स एंड वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके रितिका, जस्ट रीड द पैराग्राफ. The constitution of a country reflects its distinctive features, cultures, and ethos. Okay. Again, this is the first phase of our constitution. Constitution का ये हमारा first page है. As you know that Dr. B. Rao Ambedkar was the chairman of our Indian Constitution. So let us look the preamble of to the Constitution to India. Okay, we, the people of India, having solemnly, just a second, Ritika, mute yourself. Resolved to constitute India into a sovereign, a socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. These are the four basic points of our Indian constitution. Okay, so one by one we have discussed in our previous classes, but Indian citizen, agar baat kar rahe hain, we are the Indian, we have the power to represent or elect our representative. So, yahan pe power kiske paas hai? People ke paas hai. पावर विदाउट एनी लिमिटेशन, मतलब हम लोग के पास ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन है. हमारा राइट है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग को बोलने का, आंदोलन करने का भी राइट है. तो सुवर्णी का वही सर्वभौम, द पावर एक्सरसाइज ऑन द पीपल विदाउट एनी लिमिटेशन. अगर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज फर्टिलिटी. फर्टिलिटी क्या है? स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना. भारत एक ऐसा कंट्री है जहां पर डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो कंट्री है वो क्या है, एक फर्टिलिटी को फॉलो करने वाला कंट्री है, यानी भाईचारे को फॉलो करने वाला कंट्री है. हम लोग में बिना मतभेद के, बिना ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े, एक घर में रहने का, एक ब्लड ब्लड के रहने वाले लोग तो आपस में लड़ते ही हैं. तो हम लोग तो अलग अलग रिलीजन के लोग एक कंट्री में रहते हुए भी इतने बोल सकते हो सेकेंड पॉपुलर्स कंट्री हमारा देश, वहां रहते हैं, उसके बावजूद जो है स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड हम लोग फॉलो करते हैं, भाईचारे की भावना को फॉलो करते हैं. दूसरा टॉपिक है हमारा लिबर्टी. लिबर्टी यानी कुछ भी करने का अधिकार है हम लोग को. हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट जा सकते हैं. हिंदू से हम दूसरे क्रिश्चियन को अडॉप्ट कर सकते हैं, एज अ रिलीजन क्रिश्चियनिटी को हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं. अलग लैंग्वेज, अलग खाना, मतलब फ्रीडम है हम लोग को ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन नेशन. आप ये तो नहीं बोला जा सकता है कि हाँ वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया और हमको जो है हम टेररिज्म के फेवर में है तो हम उधर चले जाएंगे. नहीं, ये राइट नहीं है, लेकिन वी हैव द फ्रीडम टू स्पीक,
टू माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वन स्टेट टू अनदर, एडॉप्ट एनी रिलीजन, ठीक है, कोई भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, वी हैव द फ्रीडम, हम लोग को वो फ्रीडम है. नेक्स्ट जो है जस्टिस एंड इक्वालिटी. जस्टिस हम लोग के मतलब हमारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारे वे में हम लोग एक जैसा, हम लोग को जस्टिस, अगर कोई मर्डर कर रहा है तो चाहे वो कोई भी रिलीजन का होगा, उसके लिए वही कानून, वही व्यवस्था है, वही बनाया गया है जो हिंदू के लिए हो सकता है, जो क्रिश्चियन के लिए हो सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे जस्टिस भी है, हमारे आर्थिक सामाजिक रूप में हम लोग को बराबर रखा गया है, इसलिए कहा गया है कि इंडिया बिलीव इन अ, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हम लोग डाइवर्सिटी में रहते हैं, विविधताएं हमारे देश में बहुत सारी हैं, लेकिन वो सब होने के बावजूद हमारा देश एक साथ यूनाइट होकर के, यूनिटी के साथ रहता है, ठीक है. तो यहाँ पे तीन आपके जो चार जो टॉपिक्स, सब टॉपिक्स दिए हुए थे, हमारा जो फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीएम्बल का, उसमें है जस्टिस, लिबर्टी, लिबर्टी दैट मीन्स थॉट का, एक्सपीरियंसेस का, बिलीव्स का, फेथ का, वर्शिप का. ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तो आप मस्जिद नहीं जा सकते हैं, मस्जिद है तो वो अपनी इच्छा अनुसार जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस पे कोई पाबंदी नहीं है. इक्वालिटी, फर्टिनिटी, दीज आर दर सम इम्पोर्टेंट सम टॉपिक्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब इन सारी बातों को ध्यान में रखा गया था. क्यों? क्योंकि हमारे हमारे सोसाइटी जो है, आप लोग अभी से नहीं, अर्ली वैदिक पीरियड से पढ़ रहे हो कि जब वैदिक पीरियड होता था तो लेटर वैदिक पीरियड में जो कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज्यादा रिजिड हो गया था. यानी चार जो वर्ण सिस्टम थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वयस्क और शूद्र, तो चारों का अपना अपना जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया था कि जो ब्राह्मण है वो अपर कास्ट है, क्षत्रिय जो है वो राजा बनेंगे, शासन करेंगे, वयस्क जो है वो क्राफ्टमैन है, एग्रीकल्चर है, और शूद्र जो है इन तीनों जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको सर्व करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, एज अ सर्वेंट, एज अ मतलब कि बोल सकते हो कि उनके लिए काम करेंगे. तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड करने की वजह से जो है हमारा जो सबसे पिछड़ा जो जाति था शूद्र, वो काफी पीछा रह गया, ठीक है. उसको इक्वल लाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे एक्ट को लागू किए, बहुत सारे आर्टिकल्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए. क्यों? ताकि हमारा कोई भी समाज, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट के लोग जो हैं वो पीछे नहीं रहे. इक्वालिटी लाने के लिए उन्होंने एससी एसटी में रिजर्व कोटा, ये जो आप बोलते हैं कि 50% आरक्षण क्यों है, इसी की वजह से, क्योंकि वो लोग बहुत ही मतलब सफरल लोग थे, जो काफी सफर करके हमारे फ्रीडम फाइट, मतलब कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा पार्टीशन, अपना योगदान दिए. बी आर अम्बेडकर भी उन्हीं में से एक थे जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए पूरे सोसाइटी से काफी लड़ाई की, और अंत में आप देख ही रहे हो कि हमारे चेयरपर्सन वो बने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के. तो उनकी कड़ी मेहनत, उनके प्रयासों की वजह से, तो वो जो सफर किए वो नहीं चाहते थे कि और भी कोई लोग उस तरीके का सफर कर सके. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इसलिए हम लोग फिर से फर्दर डिस्कस कर रहे हैं. सेकुलर का मतलब क्या हो गया कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, यानी एक कोई रिलीजन को हम लोग प्रायोरिटी नहीं देते कि हिंदू का यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है तो हिंदू को प्रायोरिटी मिल रहा है, क्रिश्चियन को नहीं, मुस्लिम को नहीं, इस तरीके का हमारा नहीं है. सेकुलर यानी सारे रिलीजन है, ऑल द रिलीजन हैव द सेम पावर एंड फैसिलिटी अपॉर्चुनिटी, ठीक है. तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वही हमारा सेकुलर कि वन रिलीजन को हम लोग प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, ऑल रिलीजन आर इक्वल. डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, यानी लोगों के द्वारा चुना गया तंत्र, लोगों के द्वारा चुना गया शासन, ठीक है. रिपब्लिक सेम चीज है, लोकतांत्रिक, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग बोलते हैं. यहाँ पे इसी दोनों वर्ड का यही मतलब है, लोकतांत्रिक हिंदी में बोला जाता है, लोकतांत्रिक लोगों के द्वारा चुना गया तंत्र, लोगों के द्वारा चुना गया शासन इज अ डेमोक्रेटिक.
तो ये फर्स्ट पेज था हमारा जो हम लोग ने डिस्कस किया था क्लास में भी और अभी भी हमने डिस्कस किया है। ओके, इस पे कोई ये वाली स्टोरी को आई थिंक पढ़े थे और काफी हद तक याद होगा कि अशोका जो है आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा ही वॉज यस मैम, अडॉप्टेड बुद्धिज्म। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म उसको वो अपनी इच्छा से वो अडॉप्ट करना चाहता था, वो कोई जोर जबरदस्ती ना था, अपना रिलीजन वो चेंज कर रहे थे। तो दैट इज अ फ्रीडम, वो बोला जा सकता है फ्रीडम। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आप अभी क्वेश्चन रेज कर रहे हो, दैट इज अ फ्रीडम। वो फ्रीडम है आपको, आपको वो क्वेश्चन करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं तो लिबर्टी समझ में आ गया। 14 सेकुलर क्या है पीयूष? Who can tell me? नहीं पता। Who can tell me? Just raise your hand. Secular. Secular in our Indian Constitution means it does not priority any religion for the country and its people. जैसे कैसे अगर अदर सऊदी अरेबिया के बारे में, अगर सऊदी के जितने कंट्रीज है आपको पता होगा कि वहां पे सिर्फ एक रिलीजन को फॉलो किया जाता है, यू हैव टू अडॉप्ट दैट रिलीजन ओनली। तो वो जो हो गया वो आपका सेकुलर नहीं है। आप कोई भी रिलीजन को चुन सकते हो, राइट? इन इंडिया, इंडिया इज अ सेकुलर नेशन। हमारा जो देश है वो सेकुलर नेशन है जिसमें हम लोग कोई भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते। आई थिंक क्लियर है आपको, आप सेकुलर का मतलब समझ में आया? ठीक है पीयूष, क्लियर है? पीयूष यस मैम, क्लियर है सेकुलर का मतलब क्या हो गया? यस मैम, हाँ, हम लोग कोई एक रिलीजन को प्रायोरिटी अपने कंट्री में नहीं देते हैं और ना लोगों के लिए देते हैं कि आप एक ही धर्म को फॉलो करें। ठीक है, अगर एक ही धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो वो हमारे कुछ गिने चुने जो कंट्रीज है वो, तो वहां पे वो सेकुलर नहीं है। इंडिया इज अ सेकुलर नेशन, हम लोग का देश जो है सेकुलर नेशन है जहाँ पे हम लोग को एक कोई रिलीजन को फॉलो करने का, मतलब कि ये नहीं बोल सकते हो कि दावा है कि हम एक ही रिलीजन को फॉलो करें। वी हैव द मल्टीपल नंबर्स ऑफ रिलीजन इन आवर कंट्री एंड वी हैव द राइट टू अडॉप्ट एनी रिलीजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकुलर। तो फर्स्ट पेज ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल था हमारा, उसका सारा वन बाय वन टॉपिक जो है हम यहाँ डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब फर्दर आगे इसके जो टॉपिक्स हैं हम लोग कल करेंगे। आज मेरा क्लास हम यही ओवर करते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। ओके मैम।